हेलो गाइस, नमस्ते, आप सत श्री अकाल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतनी लेट अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। आई नो कि ऑलमोस्ट शायद वन मंथ या उससे भी ऊपर हो गया है कोई भी वीडियो अपलोड करे एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले तो अपनी क्लिनिकल ऑब्जर्वरशिप में बिजी था और उसके थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस मैंने प्रॉपर व्लॉग तो नहीं बनाए, थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। बाकी मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हैं कुछ रील्स, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। डेडिकेटेड व्लॉग मैंने ऑनेस्टली रिकॉर्ड भी किया था, शूट भी किया था, लेकिन मतलब बिल्कुल ड्रेन्ड था मेंटली, फिजिकली, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो व्लॉग नहीं आ पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर ट्राई करूँगा, अगर उसको एडिट कर पाया तो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज़ बाकी अभी इट्स जस्ट एन अपडेट वीडियो कि अभी फ़िलहाल यूक्रेन के मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ सिनेरियो क्या चल रहा है, NMC की नई गाइडलाइंस क्या आई हैं। आई होप आप सबको पता ही है, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं थोड़ा बहुत आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, ताकि जिन बच्चों को मतलब नहीं पता है, उन्होंने अभी तक रिसर्च नहीं करी है, तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो बेसिकली NMC ने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन क्लासेस के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। उन्होंने 6th ईयर के बच्चों को स्पेशल रिडेम्पशन दी है, जिन्होंने इस बार 6th ईयर में, जिनको जून तक जिनका 6th ईयर कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको पता होगा कि यूक्रेन में क्रॉक 2 होता है आफ्टर 6 ईयर्स, उन्होंने क्रॉक 2 तो नहीं दिया था, तो इसलिए उनका वो ऑनलाइन काउंट होगा। 6th ईयर का लास्ट सेमेस्टर, दैट इज देयर 12th सेमेस्टर, दैट विल बी काउंटेड ऑनलाइन, एंड उसकी वजह से दे हैव टू फर्स्ट पास दी FMG एग्जाम, एंड आफ्टर दैट इंस्टेड ऑफ 1 ईयर इंटर्नशिप नाउ दे हैव टू डू 2 ईयर कंपल्सरी मैंडेटरी इंटर्नशिप इन इंडिया। तो सबसे पहले तो उनकी MBBS 6+1 की जगह 6+2 हो गई है, दैट इज 1 ईयर डिसएडवांटेज जो उनके पास है, लेकिन दे डू नॉट हैव एनी चॉइस। हमारे पास अब क्या ऑप्शन है? हमारे पास जो मेन ऑप्शंस हैं वो ये है कि या तो हम यूक्रेन वापस चले जाएं, अब वो कैसे जाएंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन का, जो बहुत सारे बच्चे सोच के बैठे थे कि हम ऑनलाइन कर लेंगे, वो NMC ने बिल्कुल मना कर दिया है। और तीसरा, जो जिसके लिए भीड़ लगी पड़ी है और एजेंट्स एकदम मार्केट में फुल मोड में ऑन है सारी कंट्रीज लेके, वो है ट्रांसफ़र, कि आप अपना ट्रांसफ़र लो दूसरी कंट्री में और वहाँ पर जाके पढ़ाई करो। तो अब आपको इस समय से क्या सूटेबल लगता है वो आपको डिसाइड करना है, अपनी अपनी रिसर्च करनी है। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, इस चीज़ को लेके जो मेरा मानना है वो ये है कि सबसे पहले जो मेरा प्लान था वो था कि हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, बिकॉज मैं विनित्सा के अंदर पढ़ता हूँ, सब यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर अलग अलग है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब हम अब यूनिवर्सिटी पे थोड़ा सा प्रेशर डालने की हमने ट्राई करी कि हम अपने डीन से बात करें, वहाँ की गवर्नमेंट से बात करें, लेकिन फर्स्ट कि वो हमारी पूरी तरह हेल्प नहीं कर पाएंगे बिकॉज यूक्रेन इज़ एट वॉर, और वॉर वाली जो कंट्री है वो आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, उनके लिए एजुकेशन सेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम पे जितना अपनी कंट्री को सेव करना है। गलत सही पॉलिटिक्स वॉट एवर इट इज़, वो आपका कंसर्न भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, हमें इस टाइम अपनी डिग्री की कंसर्न है सबसे इंपॉर्टेंट। तो ऑनलाइन क्लासेस का ये सीन था कि हमने उनसे बात करी थी, जैसे कि कीव की जो KMU यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो पोलैंड के अंदर ट्रांसफ़र कर रही है बिकॉज उसके लिए वो ईजी है। वाई? बिकॉज उसका पॉलिश सेंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसकी ब्रांच पोलैंड में भी है, लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, कीव बोगोमलिट्स नेशनल मेडिकल, विनित्सा नेशनल मेडिकल, टर्नोपिल नेशनल, तो सब नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी गवर्नमेंट, उनका कहीं और सेंटर नहीं है, तो उनके लिए रिलोकेशन कर पाना, सेफ एरिया में रिलोकेट कर दो या फिर यू नो ट्रांसफ़र कर दो, वो बहुत मुश्किल चीज़ है जिसके लिए उन्हें टाइम चाहिए। तो दे सेट कि हमें ऑनलाइन तुम कर लो कुछ टाइम, एक सेमेस्टर कर लो, इतने हमें टाइम दो, लेकिन एज NMC हैज सेड ऑनलाइन क्लासेस विल नॉट बी वैलिड एनी मोर। 6th ईयर के लिए जो रिडेम्पशन दिया गया दैट वाज द वन टाइम मेजर, ये क्लियर उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके रीड कर सकते हो अगर आपने वो नहीं किया है। सेकेंड ऑप्शन है कि हम यूक्रेन चले जाएँ, नाउ दैट इज़ ऑल अप टू यू। जो बच्चे वॉर से पहले निकल के आ गए थे तो वो पूरे जोश में कि हम तो जाएंगे यूक्रेन, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ नहीं सही है, मैंने सही है, और मेरे से ज़्यादा कीव, सूमी, खारके वाले बच्चों ने, तो आप उनसे अगर बात करोगे तो मन में डर है, यस दैट इज़ दी बेस्ट ऑप्शन अगर हम यूक्रेन वापस जा पाएँ, लेकिन यू नो लाइफ विल नॉट बी ईजी। मेरे 2 साल बचे हैं, 2 साल उस डर के अंदर कि भाई मैं क्लासेस जा रहा हूँ और पता नहीं कब मिसाइल फूट जाए, सायरन बजेंगे ओके, बट इफ़ आई एम इन मिडल ऑफ अ वे तो वहाँ पर मैं कहीं बंकर मुझे नहीं मिलेगा, मैं बंकर में जाके नहीं छुप सकता, तो वो चीज़ भी बहुत you know, मुश्किल तो होगी, तो इसलिए वो चीज़ हो पाना भी थोड़ा सा मुझे अनरियलिस्टिक सा लग रहा है। मैंने यही सोचा था, मैं ऑलमोस्ट 5 दिन पहले तक सर्टेन था कि मेरे को यूक्रेन वापस जाना है, घर वालों को मना लेंगे जैसे मर्जी करके, सारे दोस्त मिलेंगे मेजॉरिटी के साथ जाएंगे यूक्रेन, लेकिन वो भी पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र के बारे में हर कंट्री के प्रोज एंड कॉन्स, यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैंने उतना रिसर्च नहीं किया, मेरा फर्स्ट कंसर्न है कि मैं कंट्री सेलेक्ट करूँ, वो मैं किस बेसिस पे कर रहा हूँ,
तो वो ये है कि रशिया अगला अटैक उस कंट्री पे ना कर दे। यू नो पुतिन का कोई भरोसा नहीं है इस टाइम पे कि वो किस कंट्री को टारगेट कर सकता है किसको नहीं। बहुत सारी र्यूमर्स भी आ रहे हैं ट्विटर पे। यहाँ पर सबसे बड़ी आपको जो ट्रांसफ़र अगर आप ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि बड़े सारे एजेंट्स इस टाइम एक्टिव हैं जो गायब हो गए थे 5-6 महीने पहले, साल भर पहले, अब वापस आ गए हैं मार्केट में कि भाई हमसे ले लो ट्रांसफ़र, हमसे ले लो। ठीक है, तो जाल में नहीं फंसना किसी के, अपनी रिसर्च करनी है। हाँ, पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत पैसा बचाने के चक्कर में किसी ऐसे एजेंट के पास मत जाना, किसी ऐसी कंट्री में मत जाना जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। हर कंट्री के बारे में डिटेल हम अगली वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको जस्ट ये बता दूँ कि ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं। यू हैव कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, देन यू हैव आर्मेनिया, देन यू हैव जॉर्जिया, और इसके बाद ईयू कंट्रीज़ में पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, ये जो, और एक रशिया। यस, तो ये 7-8 कुछ ऑप्शंस हैं। इनमें से आप अपने बजट के हिसाब से, ईयू कंट्रीज़ विल बी ऑब्वियसली कॉस्टली, वहाँ पर अगर आपको जाना है तो वो आपको अपना बजट देखना पड़ेगा। नियर बाई कंट्रीज़ जो हैं ये यू नो जो USSR का ही पार्ट थी, आर्मेनिया, कजाकिस्तान वगैरह, उज़्बेकिस्तान, रशिया, दिस विल बी अराउंड अराउंड यूक्रेन के बजट में ही हो जाएगा। जॉर्जिया थोड़ा सा कॉस्टली है। तो आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपना एजेंट चूज़ करना है, अपनी यूनिवर्सिटी खुद चूज़ करनी है, सब कुछ अपने हिसाब से, अपने एंड पे रिसर्च करो, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से बात करो, तब एक फर्म डिसीजन लो। अदरवाइज़ यू नो आप किसी ऐसी जगह पे जाके फंस जाओगे जहाँ पर बचे हुए तो 2-3 साल हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी होनी चाहिए, और वो जगह सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेफ़ होनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो चीज़ सफ़र कर चुके हैं यूक्रेन में, अब वो भी आपका एक बहुत बड़ा बेसिस होना चाहिए कि भाई कौन सी कंट्री सेफ़ है, कौन सी कंट्री में मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किस कंट्री का इंडिया के साथ बॉन्ड अच्छा है, किस कंट्री का रशिया के साथ बॉन्ड अच्छा है, अमेरिका के साथ क्या है। थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को भी समझना तो पड़ेगा इस टाइम पे, तभी एक अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे। गाइज, एज आई सेड कि इस टाइम पे इतने ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स भी फैलेंगे कि मतलब कि डीन का साइन होगा उसके ऊपर और कोई लेटर लिखा हुआ है कि ये भाई डीन का है ओरिजिनल या नहीं है, तो प्लीज़ इसको आगे सर्कुलेट करने से पहले या उसके बारे में कुछ बिलीव करने से पहले या फिर जो कुछ पढ़ा आपने उसके ऊपर आप जल्दी से एक्शन ले लो। इम्पेशेंट होने से अच्छा है कि एक बार थोड़ा सा रुको, उसको अपने फ्रेंड्स को भेजो, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट पूछने की ट्राई करो, डीन से, टीचर से बात करो, किसी ऑफिशियल बंदे से अगर आपकी रेगुलर टच में बात होती रहे। मेरा कहने का बस मतलब यही है कि जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको सुनो, मेरी बात भी ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली बस फॉलो करनी है, मैं भी एक सोर्स हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन का, जैसे कोई और भी होगा, मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आपके पास भी आती है, उसको वेरीफाई करो अपने एंड से, रिसर्च करो कि वो बात सही है गलत है, उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन लो, उसके बेसिस पे अपना कुछ डिसीजन लो, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ और कर लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आगे। बाकी जैसे NMC से कई बच्चों ने बात करी है, एंड ऑनेस्टली मेरे को ट्रस्ट नहीं था, तो मैंने आज खुद उनको कॉल किया था और जो जो बातें मेरे को पता चली हैं वो सब मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन क्लासेस नॉट वैलिड, आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। बहुत बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में 5 साल का प्रोग्राम है तो हम वहाँ पर ले लें। येस, यू कैन टेक 6 साल के प्रोग्राम से 5 ईयर प्रोग्राम में यू कैन गो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो आपको 1 साल की या 6 महीने की बैक दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली बात वही होगी कि आपको रिपीट तो पूरे 2 साल ही करने पड़ेंगे। मैं अपने केस में बात कर रहा हूँ कि मेरे 4 ईयर्स हो चुके हैं, मुझे 2 साल की पढ़ाई है, तो अगर मैं कजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान जाता भी हूँ तो आई हैव टू डू 2 ईयर्स डिग्री एनी हाउ, तो मैं 2024 में ही मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट होगा। उसमें प्रॉब्लम और ये है कि मेरी डिग्री में ये दिख रहा होगा कि मैंने 4th ईयर रिपीट किया है, मेरी बैक लगी थी, विच इज़ नॉट अ गुड साइन अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरे को समझ में आ रहा है इसका इंप्रेशन आगे चल के, क्योंकि मैं फॉरेन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ तो उसके अंदर हो सकता है शायद थोड़ा बैड इंप्रेशन पड़े, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए आई एम प्रेफरिंग कि मैं 6 ईयर्स से 6 ईयर वाले प्रोग्राम में शिफ्ट करूँ, ऐसी कंट्री जो 6 साल का ही करा रही हैं, बाकी आपकी चॉइस है। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। कुछ भी मेरे साथ मुझे कुछ नया पता चलता है या कोई दोस्तों के थ्रू या कुछ मैं जेन्युइन कहीं से मैंने रिसर्च करी है अपने एंड पे, वो वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज़ अगर मेरे से कुछ गलत बात मैंने कही है या फिर आपको कुछ और सही बातें पता है या एक्स्ट्रा कुछ पता है, तो प्लीज़ ये ऐसा टाइम है कि जहाँ पर हमें एक कम्युनिटी की तरह एक दूसरे की हेल्प करनी है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, इंस्टाग्राम पे बताओ, अपने इंस्टा हैंडल को यूज़ करो, सोशल मीडिया को इस टाइम अच्छे से इस्तेमाल करो सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, ताकि सबका एक साथ फायदा हो। यहाँ पर अब मेरा तेरा वाली बात खत्म हो गई, अगर अभी हम वही करते रहेंगे तो फिर गाइज एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की जो मैं बात करना चाहूँगा आपसे वो है मेंटल स्टेट की। मेरे को भी पता है, आपको भी पता है इस टाइम क्या हालत हो रखी है कि भाई लगातार रिसर्च करने में कौन कहाँ जगह जाना है, क्या करना है, वो सारी बात ठीक है, और माइंड बिल्कुल यू नो एफ्ड अप हो रखा है। और हम सब ने कुछ कुछ प्लान बनाए थे कि भाई इस डेट तक मैं एग्ज़ाम दे दूंगा, मैं ये वाला कुछ, हम अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी एक टाइमलाइन सेट थी,
वो सब हो सकता है अब कि उस टाइम पे ना हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को ब्लेम करते रहोगे कि यार पता नहीं ये हो गया इसलिए नहीं हो पाएगा, ये हो गया इसलिए नहीं हो पाएगा, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। जो होना था वो हो चुका है, आगे भी वो होता रहेगा। आपके हाथ में जो है वो ये है कि अपने दिमाग को सही जगह पर रखना, मेंटल स्टेट को बनाए रखना, बैलेंस रखना, और अपनी पढ़ाई करना। आई नो कि ये बहुत टफ टाइम है, और जो मैं आपसे बोलूँगा पढ़ाई कर लो, वो आप ऐसा कहोगे कि फ़ोन से निकल के मार दोगे मेरे को। आई नो बहुत बच्चे इस सिचुएशन में हैं, ऐसी मेंटल स्टेट में है कि कुछ करने का मन नहीं है, लेकिन मेरे साथ भी आपके साथ भी है ऑनेस्टली। लेकिन स्टिल कम से कम दिन में 2 घंटे पढ़ाई करने बैठो, ज़बरदस्ती बैठो, आप बुक्स पढ़ सकते हो कुछ नए मटेरियल की, पुराना रिवाइज़ कर सकते हो, MCQ सॉल्व कर सकते हो, आप ग्रैंड टेस्ट वगैरह दे सकते हो। आई नो ग्रैंड टेस्ट फालतू की बात कर रहा है, मतलब कि 19 सब्जेक्ट्स एक साथ, ग्रैंड टेस्ट 2 बैठ के, आँख बंद करके चेक टिक लगा दो उनके अंदर, 10 क्वेश्चन तो दिमाग के अंदर जाएंगे, कुछ तो करोगे एक्टिवली, मेरा कहने का मतलब बस वो है। और कुछ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं चाहता हूँ कि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो, लेकिन ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। सो आई एम जस्ट वॉचिंग द लेक्चर्स, लाइक जैसे नेटफ्लिक्स के बिंज वॉच लेक्चर करते हैं, मैं दिन में 2-3 घंटा पढ़ता हूँ, लेक्चर देख रहा हूँ जस्ट, नो रिविजन, ओनली उनको लेक्चर को देख के नोट्स बना रहा हूँ। ना मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा इस टाइम पे, ना मैं रिविजन कर रहा हूँ, ना मैं कुछ और कर रहा हूँ, जस्ट क्वेश्चन मतलब बार बार लेक्चर्स देख रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम आती है, रुकता हूँ, थोड़ा समझता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस चीज़ थोड़ा सा रिदम बना हुआ है, और एटलीस्ट दिन में 2 घंटे के लिए तो दिमाग उस चीज़ से हटता है कि यार टेंशन, ट्रांसफ़र, ऑनलाइन और पता नहीं क्या क्या होगा। तो आप भी इसे ट्राई करके देखो, लेकिन प्लीज़ पढ़ाई से बिल्कुल डिटैच मत हो जाओ। 4-5 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया पढ़ाई को, थोड़ा सा टच में वापस आओ, क्योंकि अब जो भी होगा यार हो ही जाएगा, ट्रांसफ़र होना है। आई नो कि बहुत बच्चे इसलिए स्ट्रेस दे कि पैसे लगेंगे, अब जो होगा वो होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। आई नो कि बहुत बच्चे लोन लेके पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सबके घर में वही सेम टेंशन है, लेकिन वही बात है कि हम कुछ कर नहीं सकते। सो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग से निकाल के 2 घंटा ट्राई करो पढ़ने का, जैसा आपको सही लगता है, रिवाइज करो, क्वेश्चन बैंक करो, जो आपको सही लगता है। तो गाइज़ अगर मेरी बात थोड़ी सी भी दिमाग में गई, आपके कुछ सेंस बनाई और आपको कुछ भी मेरी बात से रिलेटेबल लगा, और अपना कुछ एडिशन करना चाहते हो इस बात के बारे में, कुछ बताना चाहते हो कि मैंने ये गलत बोला या ये सही बोला, या और कुछ आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम है, DM करो मेरे को वहाँ पर, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ मेरी मिस्टेक है आपको कुछ शेयर करना है अपने साथ, जो भी है कुछ भी, हम यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्ड करने की ट्राई कर रहे हैं, ताकि एक साथ मिलके अपने लिए, दूसरे के लिए, सबके लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और थैंक यू सो मच जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब करके रखा कि भाई वीडियो आएगी, और फाइनली आ गई, थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी लेट अपलोड के लिए। अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर अपलोड करने की, थोड़ा सा क्योंकि अब दिमाग भी थोड़ा सही हुआ है मेरा और थोड़ा सा फ्री हूँ। आई विल अपडेट एवरीथिंग जो भी मुझे पता चलता रहेगा ऑन माई इंस्टा, और वीडियो भी बनाता रहूँगा आपके लिए। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। पीस, बाय।